तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 17 में एक्सरसाइज 17 बी कर रहे थे। इस पर हम न्यू लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें हम आपको न्यू बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करा रहे थे। तो आपको चैप्टर जो 17 बी एक्सरसाइज थी, इसमें हमने प्रीवियस पार्ट में इसमें क्वेश्चन नंबर 20 तक कम्प्लीट किया था। आज हम इसमें क्वेश्चन नंबर 21 देखने वाले हैं। तो आपको इसके प्रीवियस सभी लेक्चर्स हमारे चैप्टर के ही प्लेलिस्ट में मिलेंगे, और आपको सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ से सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं और देख सकते हैं हमारे सभी लेक्चर्स। तो यहाँ पर आज हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। देखो, जब आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो ऊपर की तरफ हमारे ओल्ड लेक्चर, जो हमारी ओल्ड बुक्स हैं, और नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे आप उन लेक्चर्स को, तो आपको न्यू लेक्चर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर हम 21 देखने वाले हैं। तो 21 क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए ई इज डायमीटर, ए ई डायमीटर ऑफ अ सर्कल, राइट डाउन द न्यूमेरिकल वैल्यू एंगल ए बी सी प्लस सी डी ई। देखो, जब कभी वो सम ऑफ टू एंगल्स बोलता है, तो आप इनको इंडिविजुअल फाइंड करने के लिए मत सोचना, इसको डायरेक्ट सोचना कि भी डायरेक्ट कैसे फाइंड हो सकते हैं। अब ये देखो, ट्रायंगल फॉर्म कहाँ पर हो रहे हैं, ए बी सी, सॉरी एंगल कहाँ फॉर्म हो रहा है, ए बी सी, ये एंगल है हमारा, एंड सी डी ई, सी डी ई ये वाला एंगल है। अब इसको डायरेक्टली हम कैसे कर सकते हैं, तो देखते हैं, इसका पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब देखते हैं, यहाँ पर हम एंगल ए बी सी और सी डी ई को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। एंगल ए बी सी हमारा ये है, एंड सी डी ई हमारा ये है। देखो, गिवन में सिर्फ आपको वही लिखना है जो आपको क्वेश्चन में बताया गया है, ओके। और जो भी आपको फाइंड करना है तो उसको हम फाइंड लिखेंगे, या फिर प्रूफ करना है तो प्रूफ लिख सकते हैं। यहाँ पर अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। अगर ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है तो हम इसका प्रूफ देखते हैं, लेकिन अगर ये सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है तो सिंपल सॉल्यूशन करेंगे हम इसमें। ए बी सी एंड सी डी ई, ये दोनों एंगल हैं। देखो, इन दोनों एंगल्स को आप कैसे फाइंड कर सकते हो, देखो आप आइडिया लगाओ यहाँ पर। और आपको ए ई डायमीटर भी गिवन किया है, तो कहीं ना कहीं डायमीटर का भी इसमें यूज़ हो रहा होगा। अगर ये दोनों ट्राइंगल मीन्स दोनों एंगल ही किसी एक सेम ट्राइंगल में आ जाते हैं, तो हम उन दोनों का सम और आपको थर्ड एंगल मिल जाता, उसके हेल्प से उसको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखो तो क्या कर सकते हैं इसमें, कि क्या हम इसको सेपरेटली फाइंड कर सकते हैं क्या, जैसे कि अगर हम डायमीटर का यूज़ करें तो हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर लो आप इसे, ओके। अगर आपने जैसे ज्वाइन किया तो एंगल इन सेम सर्कल क्या होता है, 90, तो इसका मीन्स ये 90 होगा, ये कह सकते हैं। और कुछ भी गिवन नहीं किया, बस इसने ए बी डायमीटर ही बोला, इसने और कुछ भी नहीं बताया हमें। ये 90 हो गया, अब ये 90 हो गया, तो इससे कुछ हिंट मिल रहा है, कुछ भी हिंट नहीं मिल रहा। ये 90, ये दोनों एंगल भी अननोन है हमारे, यहाँ पर ये भी अननोन है। अब साइक्लिक क्वाड्रेटर वाली प्रॉपर्टी देखें, तो ये एंगल और इस एंगल, ये वाला जो एंगल है, इस एंगल का सम कितना होगा हमारा, 180 होगा। अब ये एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम आपको ये वाला एंगल देगा सी डी ई, जिसका सम आपको चाहिए। अब इसमें हमें हिंट क्या मिल रहा है, देखो हिंट तो ये भी मिल रहा है हमें, इन दोनों का सम क्या करेंगे हम, 180 लेंगे और इसको 90 ले लेंगे। देन आप क्या करोगे, इसमें शो करोगे क्या, ये जो सी डी ई है, क्या हम डायरेक्ट ऐसे फाइंड कर सकते हैं क्या। देखो आप, अगर हम ले लें डायरेक्ट ए बी सी प्लस एंगल सी डी ए, सी डी, सी डी ए, इन दोनों का सम कितना होगा, 180। एंड एंगल ए डी ई, ये कितना है हमारा, एंगल इन सेमी सर्कल ए डी ई, इसको क्या बोल सकते हो आप, इसको 90 बोल सकते हो। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें, भाई दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर लें, तो यहाँ से तो हमें ए बी सी एंगल मिल ही रहा है, और यहाँ पर सी डी ए, सी डी ए और ये ए डी ई मिलकर क्या बनाएगा, सी डी ई बनाएगा, हो जाएगा क्वेश्चन। देखो कितना सिंपल हो गया है ये क्वेश्चन, कितना सिंपल हो गया कि अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हो, इसमें आप क्या रीजन दोगे, ये क्या है, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटर, ये एंगल इन सेमी सर्कल, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं हम, क्या मिलेगा, सिंपली हम एंगल ए बी सी प्लस, इन दोनों को भी ऐड कर लेंगे हम यहाँ पर, सी डी ए और प्लस एंगल ए डी ई, क्योंकि जब हम इस इक्वेशन को ऐड करते हैं ना, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले जो सभी मटेरियल होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड वाला राइट हैंड साइड में प्लस होगा, ओके। ये होगा सिंपल, तो यहाँ पर ये सिंपल हो गया हमारा। अब ये ए बी सी तो हमें चाहिए ही, तो इसको ऐसे एज इट इज रहने देंगे। अब देखो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, इन दोनों का सम हमें क्या दे रहा है, ए सी डी ए और ए डी ई, इन दोनों का सम हमें क्या दे रहा है, सी डी ई प्लस एंगल सी डी ई, ये किसके इक्वल, 270 के, ओके। ये सिंपल है इसमें, तो 270, तो ये होगा हमारा आंसर इसका, बस यही करना था इसमें, और कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था ये हमारा, इसका आंसर हो गया हमारा 270, सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 22 इसमें बोला कि इन द गिवन फिगर AOC इज अ डायमीटर, AOC डायमीटर है एंड AC इज पैरेलल, AC पैरेलल है हमारा ED के। इफ एंगल CBE 64 गिवन क्या है, देन आपको कैलकुलेट करना है DEC, DEC ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको मार्क भी कराया हमने, तो सिंपल इसको बताओ कैसे करेंगे। देखो फाइंड करने वाला क्वेश्चन सिंपल होते हैं, कैसे सिंपल होंगे देखो, बस आपको प्रॉपर्टीज ध्यान में रखना, जो गिवन है वही इसका वही इसमें यूज होता है। जैसे अगर हम देखें डायरेक्ट इसमें क्या होगा एंगल, ये हमारे पास AOC, ओके यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से पैरेलल बोला है ED, ओके यहाँ पर ये बी और यहाँ पर सी को, सी से बी को ज्वाइन करो एंड ई से सी को ज्वाइन कर दो आप, ये क्या है हमारे पास ओ, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है पैरेलल लाइन है हमारी। अब ये 64 गिवन क्या है और आपको फाइंड क्या करना है इसमें, तो सिंपल आप गिवन में क्या करोगे, ये सभी लिखोगे कि भी AOC डायमीटर है और AC पैरेलल टू ED, ये सभी आपको लिखना है और फाइंड क्या करना है इसमें, हम इसमें डायरेक्ट कर रहे हैं आपको गिवन और टू प्रूव या फिर जो फाइंड करना है वो लिखना है इसमें सबसे पहले। तो हमें फाइंड करना है DEC ये वाला एंगल, बताओ कैसे होगा। देखो ये वाला एंगल हमें हिंट मिल रहा है कि अगर ये लाइन पैरेलल है ना तो ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल होगा, लेकिन क्या आप ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हो। अब देखो अगर हम इस वाले एंगल को एंगल इन सेम सेगमेंट प्रॉपर्टीज देखें तो AE से ये हो रहा है, AE से ही अगर हम एंगल ड्रॉ करें तो नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से AB को तो ये वाला जो एंगल होगा ये इस वाले एंगल के इक्वल होगा, और अगर आप ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हो इजिली देन आप ये वाला एंगल भी बता सकते हो क्या, बिल्कुल बता सकते हैं। देखो ये वाला एंगल ध्यान से देखो, ये पूरा एंगल होगा 90, क्यों ये AOC अगर डायमीटर है तो एंगल इन सेमी सर्कल है, देन ये 90 होगा, ये 64, 90 माइनस 64 करोगे आप कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको 26 मिलेगा, ये 26 आंसर 26 आ गया, हो गया क्वेश्चन। देखो कितना सिंपल हो गया, तो बस आपको लिंक बनाना आना चाहिए कि हम कैसे इसको बना सकते हैं। तो सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, बस जो जो हम यहाँ पर बोल रहे हैं वही आपको एक्सप्लेन करना। सबसे पहले हमने दिखाया कि भाई ये एंगल क्या होगा हमारा, ABC एंगल होगा 90, क्या ये एंगल इन सेमी सर्कल, ओके एंगल इन सेमी सर्कल 90। ना अगर हमें एंगल चाहिए ABE तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो, 90 माइनस मींस एंगल ABC, कंप्लीट एंगल ABC माइनस ये जो हमें गिवन किया है EBC या CBE कुछ भी बोल सकते हो उसको, ओके तो ये हो गया हमारा कितना 90 माइनस 64 ये 26, तो ये एंगल ACE ये भी 26, तो आप यहाँ पर शो करोगे कि ABE इसके इक्वल होगा एंगल ACE के, बोथ ये क्या है एंगल इन सेम सेगमेंट, ठीक है एंगल इन सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ये भी इक्वल होंगे हमारे एंगल इन सेम सेगमेंट, और एंगल इन द सेम सेगमेंट हो गए हमारे, एंड यहाँ पर ऑल्सो क्या होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर, ओके सिंपल है ये हमारा। ऑल्सो एंगल ACE इसके इक्वल होगा एंगल CED जो हमें फाइंड करना है, CED बोलो या DEC बोलो कितना हो जाएगा 26, क्या ये ऑल्टरनेट इंटीरियर, ओके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये करना आपको सिंपल हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो 23rd क्वेश्चन में आपको कुछ फिगर गिवन क्या है और कह रहा है कि यूजिंग द फिगर एंगल आपको BAD एंड DQB फाइंड करना है। अगर हम इसका फिगर देखें तो सिंपल क्वेश्चन है, बताओ कैसे करेंगे, एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी से भी किया था हमने इसको, इस टाइप का क्वेश्चन जो आता है कुछ इस टाइप से हमारे पास, अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर एक फिगर कुछ इस टाइप से हमारा, ओके ये कुछ इस टाइप से इसका फिगर है बन गया एग्जैक्ट, यहाँ पर ये हो गया ABC एंड यहाँ पर ये DC एंड ये P, अब ये एंगल है हमारे पास 40, ओके एंड ये एंगल है हमारे पास 85। इस टाइप के क्वेश्चन हमने एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी से भी करते हैं, ये एक्सट्रीम एंगल है इन दोनों के सम के इक्वल होगा, ऐसे ही ये वाला और ये वाला सम इसके होगा हमारा, इसको कह सकते हो आप, लेकिन इससे कुछ बेनिफिट हो रहा है, नहीं हो रहा कुछ भी बेनिफिट, आपको बस यही गिवन क्या है, तो बताओ क्या कर सकते हैं इसमें, फाइंड करना एंगल BAD ये वाला एंगल। अब देखो ये वाला जो एंगल है ना ये एक्सट्रीम एंगल के इक्वल होगा किसके, ये जो एक्सट्रीम एंगल है साइक्लिक क्वाड्रेटर का, अब ये एंगल आप कैसे फाइंड कर सकते हो, ये एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं हम बताओ, ये एंगल फाइंड करने के लिए ये 85 है,
आप इससे ये वाला एंगल फाइंड कर लो क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल क्या होंगे हमारे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अगर ये 85 है तो 180 माइनस 85 ये होगा 95, समझ रहे हो आप, ये होगा 95, और अगर ये 95 है ये 40 है देन ये कितना होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ टू इंटरपोजिट एंगल होता है 95 40, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 55, क्योंकि 90 माइनस 40 करोगे आप कितना मिलेगा आपको 40 55, और अगर ये 55 है ना तो ये भी 55 है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है इंटरपोजिट एंगल के इक्वल होता है किसमें, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। सिंपल ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ये आ गया हमारा बी, क्या फाइन करना था हमें बी ए बी ए डी, तो बी ए डी ये आ गया हमारा कितना 55 होगा, समझ रहे हो आप कैसे किया हमने, एंगल बी ए डी फाइंड करना एंड ऑल्सो फाइंड करना है हमें एंगल, ऑल्सो फाइंड करना है डी क्यू बी, डी क्यू बी, तो डी क्यू बी फाइंड करना है, डी क्यू बी ये एंगल भी फाइंड करना है। करते हैं इसका सॉल्यूशन सिंपल, सबसे पहले हमने ये वाला एंगल कैसे फाइंड किया बी ए डी, तो बी ए डी फाइंड करने के लिए हमने देखा यहाँ पर क्या, ये जो बी ए डी एंगल है ये इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल फाइंड करने के लिए ये दोनों एंगल है हमारे पास, या तो ये वाला एंगल होना चाहिए था ठीक है भाई, ये वाला एंगल या फिर देखो इसको भी मत करो आप, ये हमारे पास 85 है तो ये 85 हो जाएगा, ऐसे कर लो आप, ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल, इसको भी मत करो आप फाइंड, इसको भी मत करो, ये 85 पे 85 हो जाएगा, ये 85 पे 40, तो आप ये वाला एंगल फाइंड कर लो इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। कैसे, सबसे पहले शो कर दो कि सी बी पी या पी बी सी, ओके पी बी सी एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होगा, ये होगा एंगल ए बी सी के इक्वल, ए डी सी ये कितना हो जाएगा 85। तो इसमें क्या करेंगे हम, साइक्लिक प्रॉपर्टी कह सकते हो आप, ओके साइक्लिक प्रॉपर्टी, देन अब देखो आप इन ट्रायंगल बी सी पी, बी सी पी में बी सी में ये वाला बी, ये वाला पी और ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, तो हमें एंगल फाइंड करना है बी सी पी, और हमारे पास ये टू एंगल्स हैं 85 एंड 40, आप पहले इनको नेमिंग देना फिर इसको करना, इन तीनों का सम 180 होगा इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ठीक है, इंटीरियर एंगल सम कितना होता है 180, तो बी सी पी कितना हो जाएगा यहाँ 180, और माइनस इन दोनों प्लस कर रहे हो आप 125 और 125 माइनस करोगे तो 55 आ रहा होगा ये, ओके ये 55 मिलेगा आपको, ये 55 है देन ये भी 55 होगा, ये इम्प्लाई करेगा क्या, एंगल बी ए डी, बी ए डी किसके इक्वल होगा, एंगल बी सी पी, ये कितना हो जाएगा 55, ये क्या है साइक्लिक प्रॉपर्टी, या फिर बोल सकते हो आप कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो इतना ज़्यादा ना लिख के आप साइक्लिक प्रॉपर्टी लिख दो इनफ है ठीक है, तो ये हो गया हमारा 55 फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। अब सेकेंड वाले पार्ट में अगर हम देखें इसमें क्या फाइंड कर रहा है कि डी क्यू बी फाइंड करना है, डी क्यू बी मीन्स ये वाला एंगल, बताओ ये वाला एंगल कैसे फाइंड करोगे, सिंपल हो जाएगा आपको ये, कैसे कि आप इसको कर सकते हैं, ये 55 है ये 55 ले लो आप, क्या है वर्टिकली पुश एंगल, ये 55 है ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो ये एक्सटीरियर एंगल है हमारा, ये सम ऑफ टू इंटरपोजिट एंगल होगा, ये 55 है देन 55 इसमें से माइनस करोगे ये हो जाएगा 30, सिंपल 30 आंसर आ रहा होगा इसका सिंपल, ओके तो ये करना था इसमें 55 फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का 30 आंसर हो जाएगा, ओके सेकंड वाले को आप कैसे करोगे, इसमें सबसे पहले दिखाओगे एंगल, ये जो सी है ये वर्टिकली पुश एंगल है, जिसमें हम कह सकते हैं कि बी सी पी, ये जो बी सी पी इधर वाला ये डी सी क्यू के इक्वल होगा, कितना हो जाएगा 55, क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल से है हमारे, एंड देन हम क्या करेंगे इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे, और हम यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी करेंगे कि एंगल ये जो हमारा ए डी सी है हमारा ए डी सी 85, ये सम ऑफ टू इंटरपोजिट एंगल होगा, मीन्स एंगल क्यू जिसको डी क्यू बी बोल रहा है, और प्लस एंगल सी जिसको हम डी सी क्यू बोल सकते हैं ठीक है, इसमें लिखोगे आप एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होता है डी ए डी सी हमारे पास 85, ये डी क्यू बी हमें फाइंड करना है, डी क्यू बी बोल सकते हो इसको आप, डी क्यू सी भी बोल सकते हो सेम ही है, डी सी क्यू क्या होगा हमारा 55 इधर माइनस कर दो कितना मिलेगा आपको 30, ये जाएगा डी क्यू बी, ओके ये करना था सिंपल, इसमें ये हो गया हमारा सिंपल क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नाउ, क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाते हैं,
क्वेश्चन नंबर 24, इसमें बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर पी क्यू इज डायमीटर, कोड एस आर इज पैरेलल्स टू, कोड एस आर इज पैरेलल्स टू पी क्यू, ये गिवन में लिखोगे आप, गिवन दैट एंगल पी क्यू आर 58, और गिवन में ये भी लिखोगे आप एंगल 58 है, और हमें फाइंड करना है, तो फर्स्ट में फाइंड करना है हमें एंगल आर पी क्यू, आर पी क्यू, एंड सेकेंड में आपको क्या फाइंड करना है एंगल एस टी पी, ये दोनों एंगल फाइंड करना है आपको। सिंपल करेंगे कैसे हम इसको, सिंपल करने के लिए आप क्या करोगे, सर्कल ड्रॉ करोगे, सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है पी एंड क्यू, तो पी एंड क्यू बोलना है यहाँ पर ये ओ सेंटर, और फिर यहाँ पर ये ज्वाइन करोगे आप पी टी एस, यहाँ पर ये आर, यहाँ पर क्यू को आर से ज्वाइन कर दोगे, तो ये होगा हमारा टी एंड ये होगा एस। ओके, यहाँ पर 58 ये लाइन पैरेलल होगी किसके, हमारे पी क्यू के, एस आर एंड पी क्यू क्या होंगे, पैरेलल होंगे। देन आपको क्या करना है इसमें, आर पी क्यू देखो कहाँ पर है, अभी किया था हमने कुछ ऐसा ही फिगर, आर पी क्यू ये वाला एंगल करना है आपको, आर पी क्यू, समझ रहे हो आप, आर पी क्यू, बताओ कैसे होगा, सिंपल हो गया। देखो यहाँ पर ये अगर पी ओ क्यू डायमीटर, देन ये 90 होगा एंगल इन सेम सर्कल, ये 90 58, देन ये वाला एंगल आप फाइंड कर लोगे सिंपल। एस टी पी कैसे फाइंड करोगे, एस टी पी ये वाला एंगल देखो ध्यान से, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन ये दोनों क्या है, साइक्लिक पेडल के अपोजिट एंगल्स हैं, तो इन दोनों का सम कनेक्टिव होगा। अगर आप ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हो, देन ये भी फाइंड कर लेते हो, कितना होगा ये वाला एंगल, देखो जितना ये होगा उतना ये होगा, क्योंकि यहाँ पर पैरेलल लाइन है, तो हो गया क्वेश्चन सिंपल। ये 58 ये 90, तो ये कितना होगा हमारा, ये हो जाएगा इन दोनों का सम भी 90 होना चाहिए, तो इन दोनों का सम 90 होना चाहिए, होगा 32 ऐड करके देख लो आप, इसमें 90 होगा इन दोनों का सम, अभी 32 ये भी 32, और ये कितना होगा, ये 180 - 32 हो जाएगा, 180 - 32 कितना होता है, ये होता है हमारा 148, तो बस दोनों आंसर्स हो गए, तो ये कितना होगा हमारा 32, और ये वाला कितना हो गया हमारा, ये हो गया 148। सिंपल इस क्वेश्चन को आपको अपने आप से खुद से लिखना है इसमें, बस सिंपल जैसे हमने बोला वैसे इसको एक्सप्रेस करना है आपको क्वेश्चन में, सिंपल ही हो गया हमारा 24। नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि ए बी इज डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ ओ डी इज पैरेलल, इसमें भी वही है कि जो भी आपको गिवन करे ना वो लिखना है आपको, फिर इसमें फाइंड करना है क्या आपको एंगल ए बी डी। ओके, फाइंड में क्या करना है हमें, फर्स्ट एंगल ए बी डी, ए बी डी, सेकंड में आपको क्या करना है फाइंड, सेकंड में हमें करना है इसमें एंगल डी बी सी, डी बी सी, एंड थर्ड में क्या करना है हमें फाइंड, थर्ड में फाइंड करना है ए डी सी, डी बी सी हो गया ए डी सी, ए डी सी ये फाइंड करना है। करते हैं इसको, देखो अगर हम इसे सोल्व करते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा सर्कल हमारा, और ये हमने डायमीटर ड्रॉ किया ए बी। ओके, एंड अब यहाँ पर पैरेलल कौन सी साइड गिवन की है इसने, ओ डी इज पैरेलल टू बी सी, ओ डी पैरेलल टू बी सी गिवन की है, ओ डी पैरेलल टू बी सी गिवन की है। सिंपल सोल्व करेंगे इसको अब हम ए डी सी। ओके, और गिवन क्या है इसमें एंगल ए ओ डी गिवन है, ए ओ डी ये गिवन क्या है 60। ए बी डी देखो कहाँ पर है, ए बी डी फाइंड करना है हमें, ए बी डी, ए बी डी, ये तो खतरनाक क्वेश्चन हो रहा है अगर हम इसको ज्वाइन कर देते तो, ये है ए बी डी हमारा, बताओ ए बी डी कैसे कर सकते हैं। देखो ये 60 है, देन ये कितना होगा ए बी डी, ये 30 होगा, डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज हो रही है कौन सी, एंगल एट सेंटर एंड एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफेरेंस, देखो सेंटर पर बन रहा है और ये सर्कमफेरेंस बन रहा है, तो बस इतना सोचना ही नहीं है, ये तो हमारा 30 डिग्री हो गया सिंपल, ये कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट हो गया इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट, क्या हम यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट कि एंगल ए बी डी, ए बी डी ये किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एंगल ए ओ डी, रीजन वही लिख सकते हैं कि एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफेरेंस, या फिर एंगल एट सर्कमफेरेंस हाफ द एंगल एट सेंटर, ठीक है, ये लिखोगे आप इसमें और इसको सिंपली क्या कर सकते हो, 60/2 ये हो जाएगा 30 डिग्री, ऐसे कर सकते हैं यहाँ पर ए बी डी फाइंड। नेक्स्ट डी बी सी, डी डी बी सी ये वाला एंगल, अब देखो आपको पता है ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि लाइन पैरेलल ही इसलिए गिवन की है, क्या आप ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, अगर ये 30 है ना ये भी 30 होगा, क्यों, ध्यान से देखो रेडियस ऑफ सर्कल है, और अगर ये रेडियस ऑफ सर्कल है दोनों साइड इक्वल है तो इसके दोनों एंगल इक्वल होंगे,
ठीक है, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, यहाँ पर क्या हो गया हमारा 30 30, ये 30 है देन ये भी 30 होगा हमारा, तो इसका सेकंड पार्ट में भी 30 आंसर होगा। ओके, फर्स्ट पार्ट में आप इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करोगे, सेकंड में क्या कर दोगे, यहाँ पर शो करेंगे एंगल ओ बी डी, एक इसके इक्वल होगा एंगल ओ डी बी, कितना 30 डिग्री होगा। यहाँ पर रीजन देंगे हम क्या, बिकॉज ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, अगर साइड इक्वल है देन ये क्या है एंगल्स भी इक्वल होंगे, अभी 30 30 हो गया देन ये इम्प्लाई करेगा कि एंगल ओ डी बी किसके इक्वल होगा, डी बी सी जो हमें फाइंड करना है, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये क्या हो गया हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर। ओके, ऑल्टरनेट इंटीरियर बोलेंगे इसको, ये करना है हमें सिंपल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। थर्ड में कह रहा है कि इसमें ए डी सी फाइंड करो, ए डी सी ये कंप्लीट एंगल ए डी सी सही है, बताओ कैसे करेंगे कंप्लीट एंगल ए डी सी। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये, और ये जितना एंगल होगा ना, और ये जो एंगल होगा, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, बी और डी का, कंप्लीट डी और कंप्लीट बी का एंगल सम कितना होगा 180, और कंप्लीट बी हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये 30 है ये भी 30 है, ये 60 है कंप्लीट बी, तो ये कितना होगा 120, इसका आंसर 120 आएगा। देखो कितना सिंपल है, देखते पता चल जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम करेंगे कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी, इन दोनों का सम कितना 180 अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए डी सी आपको फाइंड करना है, और ये वाला कितना है सम 60, यहाँ पर ये 180, 60 माइनस कर देंगे, ए डी सी कितना होगा 120 होगा, सिंपल ये करना है इसमें। ओके, ये इसके पार्ट्स हो गए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें 26। देखो 26 में कह रहा है कि इन द गिवन फिगर द सेंटर ओ ऑफ द स्मॉल सर्कल लाइज ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द बिगर सर्कल, ये सेंटर है छोटे सर्कल का जो बड़े सर्कल पर लाई करता है। अब इसमें कह रहा है कि इफ एंगल ए पी बी, ऐसे क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जैसे हमने भी क्वेश्चन किए हैं इस टाइप के, ऐसे ये वाला क्वेश्चन है ना, ऐसा 14 है हमारा, ये वही सेम कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर भी यूज हो रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ए पी बी कितना है, हमें ए पी बी 75 है, ए पी बी 75 है, बी सी डी 40 है, बी सी डी 40 गिवन के आप फाइंड करने हैं सभी एंगल। देखो सिंपल, पहले आप गिवन देखो और फाइंड करना, फिर उस पार्ट को देखेंगे। अगर हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस टाइप से है, ये जो छोटा सर्कल है उसका सेंटर बड़े सर्कल पर लाई करता है, इसका सेंटर नहीं लिया, एक बड़ा सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं जिसका सेंटर छोटे सर्कल का सेंटर बड़े सर्कल पर लाई करे, ये हो गया। अब इसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, ओके, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से ड्रॉ हो रहा है, यहाँ पर क्या हमने डी, ये बी और ये पी, ये ओ सेंटर, इसको ज्वाइन करते हैं तो कुछ इस टाइप से है, ओके, स्ट्रेट लाइंस हैं सभी, एंड ये यहाँ पर ए एंड ये सी और ये बी, ओके, सभी हो गए हमारे पास। अब गिवन क्या क्या, देखो गिवन में कौन कौन सा एंगल गिवन क्या, ए पी बी, कहाँ है ए पी बी, ए पी बी 75 एंड बी सी डी, बी सी डी 40 डिग्री, ये बी सी डी 40 डिग्री, ओके, कुछ पैरेलल वैरेलल गिवन क्या नहीं, सिर्फ आपको फाइंड करना है आप क्या एंगल, फर्स्ट एंगल ए ओ बी फाइंड करने के लिए बोल रहा है, बताओ कितना होगा, ये होगी डायरेक्ट पता चल रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 वाला ही कॉन्सेप्ट है, ए सी डी, ए सी बी सॉरी, ए सी बी एंगल ए सी बी, ए सी, ए सी बी, ये वाला एंगल ए सी बी फाइंड करना है, एंड एंगल ए बी डी, ए बी डी एंगल ए बी डी फाइंड करना है, ए बी डी, ओके, ए बी डी एंगल ए बी डी, ए बी डी के बाद क्या करना है, ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी, ये फाइंड करना है। करते हैं इसका सॉल्यूशन, ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी ये वाला एंगल है, और ये ए ओ बी क्या होगा, देखो ध्यान से देखो सिर्फ छोटे सर्कल को, तो ये सेंटर बनने वाला एंगल और सर्कमफेरेंस बनने वाला एंगल है, तो सेंटर बनने वाला एंगल जो होता है हमारा एंगल ए ओ बी, ये क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल, ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी, इसमें वही रीजन देंगे, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफेरेंस, ट्वाइस ऑफ 75 कितना होगा 150, तो इसका आंसर होगा 150।
सिंपल हो गया फर्स्ट पार्ट इसका। सेकंड में क्या बोल रहा है, ए सी बी फाइंड करना है। ए सी बी कहाँ है, ए सी बी, ए सी बी, ये वाला एंगल फाइंड करना है। बताओ कैसे करेंगे। अब देखो अगर ये हो गया ना फाइंड, तो इन दोनों का सम 180 होगा। क्यों, क्योंकि अब बड़े सर्कल को देखो, बड़े सर्कल के लिए ये जो हमारा ए ओ बी सी है, ए ओ बी सी ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180। का कह सकते हो कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए सी बी इन दोनों का सम होगा 180। साइक्लिक प्रॉपर्टी, ए ओ बी आपको गिवन क्या है 150, ये हमने फाइंड किया, एंड ए सी बी आपको फाइंड करना है कितना हो जाएगा, 150 माइनस कर देंगे, ए सी बी मिलेगा आपको कितना, 30 डिग्री। सिंपल, ये 30 डिग्री हो गया, ये करना था इसमें। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, इसमें कह रहा है कि ए बी डी फाइंड करना है, ए बी डी अगर हम इसको ज्वाइन कर लें, ए बी डी, ए बी डी ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब देखो ये वाला जो एंगल है ए बी डी, और अगर हम ए बी डी और किसको देख रहे हैं, हम सी को देख रहे हैं, ए बी डी सी ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और ये एंगल भी हमने फाइंड किया कितना, 30 डिग्री, ये 30, ये 40, ये 70 होगा, ये 70 और ये वाला, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180। तो ये कितना हो जाएगा, 110। अगर ये कितना हो रहा है, 70 और ये 180, फिर कितना हो जाएगा, ये हमारा 110 हो जाएगा। सिंपल, क्या किसी और मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं क्या, यहाँ पर कुछ साइक्लिक बन रहा है, नहीं साइक्लिक बन रहा है, यहाँ से ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ओके, तो बस हम क्या करेंगे, इसी प्रॉपर्टी से सोल्व करेंगे इसे। यहाँ पर दिखाएंगे हम एंगल ए बी डी, ए बी डी प्लस एंगल ए सी डी, ए सी डी इन दोनों का सम 180 होगा। क्या अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटर, ए बी डी हमारे पास चाहिए हमें, ए बी डी, तो ए सी डी, ए सी डी ये 70 होगा, 30 प्लस 40 70, फर्स्ट में 180, 70 माइनस कर देंगे, एंगल ए बी डी कितना होगा, एंगल ए बी डी कितना होगा, 110। ओके, ये होगा सिंपल। फोर्थ हमारा ए डी बी, फोर्थ वाले में जो ए डी बी है, ए डी बी, ए डी बी, इसको देखो अगर हम से ज्वाइन करते हैं ना, तो ए डी बी एंगल मिलता है, और ये जो ए डी बी है ये ए बी से बन रहा है, और ए बी से ये मिल रहा है 30 हमारा, ठीक है। तो सिंपल हमारे क्या होंगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी से क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो आप एंगल ए डी बी को इसके इक्वल कह सकते हो एंगल ए सी बी के, एंगल इन द सेम सेगमेंट के अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री होगा। सिंपल ये करना है इसमें हमें, ये हो जाएगा सिंपल 30 डिग्री। तो ये करना था, क्वेश्चन हो गया हमारा सिंपल, क्वेश्चन नंबर 26। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट देखते हैं 27 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि इन द गिवन फिगर्स, ये आपको सभी वैल्यूज गिवन की, और फिगर गिवन क्या, इसमें बोला कि बी सी डिफाइन करना है, ए सी बी, ऑल्सो शो करना है कि ए सी डायमीटर होगा। ओके, देखो हमने इसका फिगर ड्रॉ किया, अब इसको करते हैं, देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। सिंपली इसमें देखो बी सी डी हम कैसे फाइन कर सकते हैं, तो बी सी डी फाइन करने के लिए क्या करेंगे, बी सी डी, बी सी डी ये एंगल है बी सी डी। अब देखो अगर ये कंप्लीट 65 गिवन किया है, तो भाई ये इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम होगा 180, और इन दोनों का सम 180 होगा, तो 180 में से 65 माइनस कर दो, कितना मिलेगा, 115 मिलेगा। हो गया फर्स्ट पार्ट, ए सी बी फाइंड करना, ए सी बी, ये ए सी बी फाइंड करना, बताओ ए सी बी। अगर हम एंगल इन द सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी यूज़ करें, तो देखो ये कितना होगा, ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ए बी से ये सी पर बन रहा है, ए बी से ये डी पर, एंगल इन द सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि भाई दोनों एंगल इक्वल होंगे। बस इसके लिए हमें ये एंगल चाहिए, ये एंगल हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल ए बी डी में टू एंगल्स हैं, थर्ड एंगल आप फाइंड कर सकते हो सम ऑफ इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। तो सिंपल ये क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा हमारा। और फिर अगर हमें ए सी डायमीटर शो करना है, तो आपको या तो ये वाला एंगल 90 प्रूफ कर देना है, फिर ये वाला, ये एंगल हम फाइंड करेंगे इन दोनों का सम, ये 45 बार होगा, इन दोनों का सम 90 हो जाएगा, देन ये क्या हो जाएगा, ए सी डायमीटर होगा। सिंपल देखो कैसे, तो सबसे पहले हमने एंगल क्या, फर्स्ट एंगल जो हमें फाइंड करना था बी सी डी, इसको देखेंगे, एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी ए बी या फिर बी ए डी बोल सकते हैं इसको, इन दोनों का सम 180 होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटर, बी सी डी कितना होगा, बी सी डी फाइंड करना है, बी ए डी, बी ए डी हमारे पास 65 इक्वल्स टू 180, 65 माइनस करेंगे, ये बी सी डी कितना मिलेगा, 115। ओके, ये 115 मिल गया हमें, देन अब हम इसमें क्या फाइंड करेंगे, ये 115 हो गया बी सी डी। अब हम इसमें नेक्स्ट पार्ट फाइंड करेंगे इसका, ए सी बी, फर्स्ट पार्ट हो गया ए सी बी, ए सी बी हमारे पास ये है, ए सी बी को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड कर रहे हैं, ए डी बी,
एडी भी फाइंड करने के लिए हम जाएंगे किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एडीबी में। इन ट्रायंगल एडीबी में देखिए, एडीबी में इन सभी एंगल्स का सम लेंगे। इन ट्रायंगल सम क्या होता है, सम ऑफ ऑल इन ट्रायंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर्क 180। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा एंगल, कंप्लीट एंगल लिखिए या फिर इसको हम एडीबी, ये एंगल हमें फाइंड करना है। और ये जो अदर टू एंगल्स हैं क्या है, एक तो एंगल ए है जिसको आप बी ए बी बोल सकते हो, बी ए डी बी बोल सकते हो, और एक ये है हमारे पास जिसको आप ए बी डी बोल सकते हो। इन सभी का सम 180 होगा। ए डी बी आपको फाइंड करना है, ए डी बी प्लस डी ए बी, डी ए बी 65 एंड ये हमारे पास कितना ए बी डी, ये हमारे पास 70 इक्वल्स टू 180। ओके, अब देखेंगे इसका क्या होगा सम, इन दोनों का सम कितना आ रहा है 135 और यहाँ पर 180। 135 माइनस करो ए डी बी कितना मिलेगा आपको, ए डी बी मिलेगा 135 माइनस करने पर 45। और अगर ये ए डी बी 45 है तो ये इम्प्लाई करेगा कि एंगल ए डी बी किसके इक्वल होगा हमारा, एंगल किसके इक्वल ए डी बी, तो यहाँ पर ए डी बी हमारा इक्वल है किसके, ए सी बी के, ए सी बी के इक्वल होगा। ओके, ये दोनों एंगल कितने होंगे हमारे 45 एंगल इन द सेम सेगमेंट। ओके, ये 45 होगा तो बस ये 45 हो गया हमारा, तो सिंपल हमने ये भी फाइंड कर लिया। अब अगर हमें एसी को डायमीटर शो करना है तो हम इन दोनों का सम दिखाएंगे यहाँ पर 90। अब एंगल हमारा एडीसी देखो आप, एडीसी कंप्लीट एंगल कितना होगा 45 प्लस 45 मीन्स 90, हेंस हम कह सकते हैं एसी क्या होगा डायमीटर, हेंस एसी इज अ डायमीटर, एसी क्या होगा एक डायमीटर, सिंपल ये करना था इसमें। हो गया इसमें प्रूफ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 का थर्ड पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं इसमें 28, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। 28 में कह रहा है कि इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंगल ए रेशियो एंगल सी कितना गिवन किया, 3:1, बी रेशियो डी गिवन किया 1:5, फाइंड ईच एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का ईच एंगल फाइंड करना है। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ये मिस्टेक मत करना कि सभी के साथ आप एक्स ले लो। अगर आपने सभी के साथ एक्स लिया देन आप इसमें मिस्टेक करोगे। और ये साइक्लिक क्वाड्रेटर बोल रहा है तो साइक्लिक क्वाड्रेटर की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। क्या होती है साइक्लिक क्वाड्रेटर की प्रॉपर्टी, वो सर्कल जो वो क्वाड्रेटर जो सर्कल के अंदर बनता है और उसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो बस यही प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ए बी सी डी हमारे पास। ओके, ए बी सी डी हमने एक साइक्लिक क्वाड्रेटर ड्रॉ किया। यहाँ पर क्या रहता है हमारे पास, गिवन है एंगल ए एंड सी का रेशियो, ए और सी का रेशियो 3:1 है, ए एंड सी का रेशियो 3:1। ओके, एंड बी एंड डी का 1:5 एंड बी रेशियो डी कितना है 1:5। ये तो हम इन्हीं रेशियो में इनको लैड करेंगे। ठीक है, जब हम सॉल्यूशन करेंगे इसका एंगल फाइंड करने के लिए तो लैड करेंगे यहाँ पर क्या, लैड एंगल ए 3x एंड एंगल बी सी 1x। सेम ही कॉमन फैक्टर लिया दोनों का क्योंकि एक रेशियो है हमारा। एंड ऑल्सो यहाँ पर एंगल बी लैड करोगे आप 1y या y सिंपल, एंड देन आप एंगल डी को क्या बोलोगे 5y। हमने अलग अलग क्या लिया है दोनों के लिए, अलग अलग कॉमन फैक्टर लिए क्योंकि हमें नहीं पता कि दोनों के कॉमन फैक्टर सेम होंगे या नहीं, समझ रहे हो, इसलिए इसमें x लैड किया और इसमें y लैड किया। और अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे इन दोनों का सम, एंगल ए प्लस एंगल सी का सम 180 होगा। ओके, यहाँ पर ये 3x, ये अपोजिट एंगल है साइक्लिक क्वाड्रेट के, ए एंड सी, इन दोनों का सम 180 होगा। यहाँ पर ये x इक्वल्स टू में 180, यहाँ पर कितना जाएगा 4x इक्वल्स टू में 180, देन x की वैल्यू कितनी जाएगी 4 4 16, 4 5 20, ये 45 आ रही है। तो अगर ये 45 आ रही है तो देन हमारा एंगल ए कितना होगा, एंगल ए होगा 3 into 45, 3 into 45 कितना होता है 45 3 135, ये 135 होगा। एंगल बी कितना होगा, एंगल सी कितना होगा, एंगल सी होगा हमारा 45। ओके, एंड एंगल बी कितना होगा वाई, और वाई कितना होगा यहाँ पर, ये वाई होगा हमारा, पहले हम इसको फाइंड करेंगे वाई को भी कैसे, ऑल्सो यहाँ पर क्या होगा हमारा एंगल बी प्लस एंगल डी कितना 180। यहाँ पर y कितना है और b कितना है y, और ये कितना है 5y फर्स्ट में 180, ये कितना होगा 6y फर्स्ट में 180, देन y इक्वल्स टू कितना होगा 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 30 डिग्री। ओके, y की वैल्यू 30 डिग्री, y 30 डिग्री होगा, देन आप क्या करोगे b
फाइंड करोगे बी कितना होगा वाई, और वाई कितना 30 डिग्री, एंड एंगल डी कितना होगा 5 वाई, ये होगा 5 × 30 150। ओके, ये सभी एंगल्स हमारे फाइंड हो जाएंगे। ये हमें करना था इसमें, ए एंगल 135 है, बी एंगल 30 है हमारा, सी एंगल 45, एंड डी एंगल कितना होगा 150। सिंपल करना था ये क्वेश्चन नंबर 28। तो ये हमारी 17B एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। और अगर आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज अभी करनी है तो आप ओल्ड लेक्चर की हेल्प ले सकते हैं, वहाँ पर क्वेश्चन मिसमैच हो सकते हैं, या फिर इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक्सरसाइज बी में या फिर ए में आपको इनका सॉल्यूशन मिले, क्योंकि क्वेश्चंस को बिल्कुल अलग अलग कर दिया है उन्होंने, वरना क्वेश्चन आपको सभी मिल जाएंगे हमारे ओल्ड लेक्चर में भी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।